नमस्कार एंड वेलकम टू कारपीडिया। आज की वीडियो में हम पंच के प्योर और एडवेंचर वेरिएंट के बीच कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की। पंच का प्योर वेरिएंट आपको दिल्ली में ऑन रोड लगभग 6,90,000 का मिल जाता है, वही इसका एडवेंचर वेरियंट आपको 7,87,000 का मिल जाता है। दोनों में 95,000 का प्राइस डिफरेंस है। अब चलते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। सबसे पहला डिफरेंस आता है रिमोट फ्लिप की का। प्योर वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है, वही एडवेंचर वेरिएंट में सेंटर लॉकिंग के साथ साथ फ्लिप की वाला रिमोट भी मिलता है। अगला डिफरेंस आता है फॉलो मी हेडलैम्प का। प्योर वेरिएंट में आपको नहीं मिलता और एडवेंचर वेरिएंट में आपको मिलता है। इस फीचर का ये यूज़ होता है कि आपके लॉक और अनलॉक करने के बाद लगभग 10-15 सेकंड तक आपकी लाइट ऑन रहेगी आपको रास्ता दिखाने के लिए। अगला डिफरेंस है व्हील कैप का। प्योर वेरिएंट में आपको कोई भी व्हील कैप नहीं मिलता, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर का व्हील कैप मिलता है। हालांकि दोनों में सेम 15 इंच के टायर ही मिलते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगला डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको मैनुअली एडजस्टेबल ORVM ही मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सिर्फ फ्रंट की दो पावर विंडो ही मिलती है। वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। फोल्ड एंड फोल्ड तो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, पर एडजस्ट आप इन्हें इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। अगला डिफरेंस आता है बॉडी कलर्ड ORVM का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको सिंपल से ब्लैक कलर के ORVM मिलेंगे, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे। अगला डिफरेंस आता है बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको वही मैट ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलेंगे और इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। अगला डिफरेंस आता है AC यूनिट के नीचे स्पेस का, जिसके अंदर आपको USB के साथ साथ 12 वोल्ट का भी सॉकेट मिलता है। प्योर वेरिएंट में भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, पर वो आपको नीचे हैंड ब्रेक के पास मिलता है, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको AC यूनिट के नीचे ही मिलता है और साथ में ये USB पोर्ट भी मिलता है। अगला डिफरेंस आता है मैनुअल रेयर विंडो का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको पीछे की विंडो मैनुअली ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलती है। अगला डिफरेंस है इंटीरियर कलर का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको इंटीरियर पे वाइट सी शेड मिलेगी, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको थोड़ी ग्रे सी शेड मिलेगी। अगला डिफरेंस है स्टीयरिंग कंट्रोल का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगी, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम के स्टीयरिंग पर भी कंट्रोल्स मिलेंगे। अगला डिफरेंस है स्टीरियो और चार स्पीकर का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको छोटा सा स्टीरियो मिलेगा हरमन का, और उसके साथ चार स्पीकर भी मिलेंगे। अगला डिफरेंस आता है गियर फिनिश का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको सिंपल सी रफ ब्लैक गियर फिनिश मिलेगी, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको शाइनी गियर फिनिश मिलेगी। अगला डिफरेंस आता है मैनुअल D9 ORVM का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको मिलता है। अगला डिफरेंस आता है वैनिटी मिरर का। इसके प्योर वेरिएंट में आपको पैसेंजर साइड के सन वाइजर पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता, वही इसके एडवेंचर वेरिएंट में आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। देखा जाए तो दोनों में प्राइस डिफरेंस 95,000 का है, और अगर हम इसमें जो सामान मिल रहा है उसकी वैल्यू निकालें तो व्हील कैप ओरिजिनल टाटा के आपको 2-3 हज़ार से ज़्यादा के नहीं मिलेंगे। रिमोट फ्लिप की वही आपको 5-6 हज़ार में काम हो जाएगा। ORVM भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, जिसमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी बटन होगा, वो भी आपको 10 हज़ार में मिल जाएंगे। और स्पीकर स्टीरियो वही 9 हज़ार के आसपास, और ऐसे स्टीयरिंग कंट्रोल पावर विंडो मिला के मैक्सिमम 40 हज़ार तक का सामान है, और ये भी मैक्सिमम है। तो वहाँ मेजरली जो मेरे को डिफरेंस लगता है प्योर और एडवेंचर वेरिएंट में, वो है बस एक तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का, रिमोट की का और म्यूजिक सिस्टम का। पूरी चीज़ें मेरे हिसाब से आप बाहर से बहुत आराम से करा सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट में। और हाँ, ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको टच स्क्रीन चाहिए तो आप एडवेंचर रिदम वेरिएंट भी ले सकते हैं, जिसमें जिसकी कॉस्ट 40 हज़ार ज़्यादा होगी। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सब कुछ फैक्ट्री फिटेड चाहिए
तो आप एडवेंचर विनेट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से इसका प्योर वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और ये सारी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट करा सकते हैं। बाकी अगर किसी को नॉर्मल यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए तो उसे हार्डली 15,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, जिसमें वो 5-6,000 में एक रिमोट की बनवा सकता है और वही 9-10,000 में अच्छे स्पीकर के साथ अच्छी टच स्क्रीन भी लगवा सकता है। और बाकी अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो आप ये JBL की ये वाले स्पीकर भी लगा सकते हैं, A350 2HI, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए इसे भी, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है। मैं रिसेंटली अपनी सेकेंडरी कार के लिए कोई ठीक ठाक से स्पीकर देख रहा था बजट में, तो रिव्यूज़ वगैरह के हिसाब से मेरे को ये सही लगा, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो का बोनस पॉइंट कि अगर आपका बजट एडवेंचर वेरिएंट का है तो आप कैसे प्योर वेरिएंट को लेके मॉडिफाई कराएं जो आपका टॉप मॉडल से भी अच्छा बन जाए। तो ये कुछ लिस्ट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिए है टाटा मोटर्स के ओरिजिनल 16 इंच के अलॉय व्हील्स जो आपको लगभग 35,000 के मिल जाएंगे, और एक्सचेंज में जो आपके ये जाएंगे टायर्स तो वो तो आपके सेम ही कॉस्ट हो जाएगी टायर्स के। तो अगली चीज़ है एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम जिसमें जिसका बजट मैं 30,000 रखा है, और बिलीव मी आप इतनी कॉस्टिंग में काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम बना सकते हैं। और बाकी वही नॉर्मल यूज़ के लिए तो 7-8,000 भी बहुत हो गए। फिर मैंने ली है रिमोट फ्लिप की 5,000 की, LED हेडलैम्प में 4,000 की। हाँ ये भी कहूँगा मैं यहाँ पे कि बस 90-100 वाट तक ही जाना हेडलाइट में, 150-200 पे मत जाना, फिर सामने वाले की आंखों में लगती है। और फिर मैंने ली है रेयर पावर विंडो जो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में आप लगवा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको ओरिजिनल फिटिंग चाहिए या फिर आफ्टर मार्केट। अगला है इलेक्ट्रॉनिक RPM जिसमें आपके एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड एंड फोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा। फिर है स्टेयरिंग कंट्रोल और स्टेयरिंग रैप, वही 3,000 के आसपास। तो अगर आप इन सब की टोटल कॉस्टिंग भी निकालें तो वो भी 95,000 से कम ही होगी। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको आफ्टर मार्केट चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो आप प्योर वेरिएंट लेके और इतनी ही कॉस्टिंग में इसे काफ़ी अच्छा मॉडिफाई करा सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ फैक्ट्री फिटेड चाहिए तो आप डेफिनेटली एडवेंचर वेरिएंट ले सकते हैं, नहीं तो वैल्यू वाइज तो प्योर वेरिएंट ज़्यादा सेंस बनाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।